गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मुहावरे। बच्चों, बात को कहने के तरीके होते हैं। एक तरीका है साधारण तरीका और एक है विशेष तरीका। हम अपनी बात को दोनों तरीकों से कह सकते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, साधारण तरीके से कहा जाए राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। विशेष तरीके से कहने पर राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। इसी तरह अगले चित्र में सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। लाल पीला होना, 9 2 11 होना, दोनों ही मुहावरे हैं। यूं तो मुहावरों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन वाक्य के साथ जुड़कर ये वाक्य को एक विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरा भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा विशेष रूप से सुंदर दिखाई देती है। जैसे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। इसमें आंखों में धूल झोंकना मुहावरा है। घुटने टेकना, हार मान लेना भी एक मुहावरा है। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। यहाँ मुहावरे के प्रयोग से भाषा बहुत अधिक सुंदर लगती है। इसी तरह से कुछ मुहावरे आपको वीडियो के अगले भाग में दिए हुए हैं, जिन्हें पढ़कर और याद करके आप अपनी आम बोलचाल की भाषा को भी मुहावरेदार बना सकते हैं। यहाँ हमने एक अनुच्छेद में मुहावरों का प्रयोग करके आपको मुहावरों की उपयोगिता के विषय में समझाने की कोशिश की है। जैसे राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अगर साधारण भाषा में कहते तो राम अपने माता पिता को बहुत प्यारा है। उसने अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए आकाश पाताल एक करते देखा है। आकाश पाताल एक करना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। वह अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। इसमें अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ये भी एक मुहावरा है। वह दिन रात एक करके अध्ययन करता है। दिन रात एक करना, मेहनत करने को ही कहते हैं मुहावरेधार भाषा में, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपने पैरों पर खड़ा होना भी एक मुहावरा होता है, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना या स्वावलंबी होना, जिसे आप इंग्लिश में सेल्फ डिपेंडेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हमने एक छोटे से अनुच्छेद में कुछ मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को किस तरह से एक विशेष मुहावरेदार भाषा बनाने की कोशिश की है। आप भी अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा को मुहावरों के प्रयोग से और अधिक सुंदर बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।